व्लॉग्स चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसका आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे देखने को व्लॉग्स मिलेंगे। क्या हुआ अगर वक्त ने उसे विलन बना दिया? कुछ हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। और काफ़ी सारे लोगों की सजेशन आ रही थी कि आप तड़प मूवी के ट्रेलर पे रिएक्शन दें। तो बेसिकली इस मूवी में न्यू कास्ट है, उस तरह से हीरो न्यू है, आहान शेट्टी। आहान शेट्टी सुनील शेट्टी के बेटे हैं। अच्छा, एक बेटा भी है। हाँ, अच्छा, मुझे तो बेटी भी है, बेटी तो ऑलरेडी फिल्म्स में आती हैं। तारा सुतारिया इनके साथ हैं, जो कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर और मरजावा मूवी में भी आई थी। तो मिलान लुथरिया ने इसको डायरेक्ट किया है, 3 दिसंबर को आ रही है और काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट सजेस्ट कर रहे हैं। और इसके नीचे कुछ लिखा रहा है, बेस्ड इन मसूरी उत्तराखंड, ईशान मीट्स फॉरेन रिटर्न रमीसा एज देयर पैशनेट रोमांस ब्रूस, ईशान फॉल्स मैडली इन लव विद हर बट थिंग्स टर्न आउट डिफरेंटली, व्हाट सीम टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप्स गेट्स हिट बाय द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म, Nothing seems to be going right for the star-crossed lovers. Basically वो ही है ना जो होता है। Basically love story है और उसमें फिर कोई twist आ जाता है, जो एक Bollywood movie होता है। लेकिन देखते हैं कि direction कैसी है और हमें किस तरह इसको दिखाया जा रहा है। मुझे बड़ी excitement है कि यार सुनील शेट्टी के बेटे आ रहे हैं, तो देखते हैं भाई। तो देखते हैं कि कैसा काम कर रहे हैं इसमें, क्योंकि सुनील शेट्टी का तो सबको पता है। हाँ, और देखने के बाद एज ऑलवेज हम लोग करेंगे। Star. Ishana, tell me something about you now. Ishana. Chohu, tumhare samne hu. Hi. Kitni resemblance hai? Mere bete hain. Kyun toda be gutli ko? Khurak thi, mita li. जो दिख नहीं रहा है वो बताओ, जो आज तक दिल में रखा है वो बोलो। मुझे उस इशाना को जानना है जिसे कोई नहीं जानता। लव स्टोरी। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मुंह नहीं खोलोगे तो पता कैसे चलेगा। मोहब्बत में यूं हद को पार किया। अच्छा हुआ तुमने बुला लिया, मैं तड़प रहा था तुमसे मिलने के लिए। क्यों? अपना इलाज करवाना था। और बीमारी क्या है? तुम किस में? तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। ये गाना अच्छा लग रहा है। डैडी, मेरे स्टेज से सिंगल नहीं रहा। दो बार मिला है तू उससे और शादी का मंडप भी सजा लिया। कौन सा लेवल क्लियर किया? सेक्स हो गया? मेरा बेटा हीरो था और वह हीरो ही रहेगा। क्या हुआ अगर वक्त ने उसे विलन बना दिया? कुछ हुआ होगा। ट्रेजेडी हुई है तो ये मेरे लिए। अब हाथ चूरू या उठाऊ फर्क नहीं पड़ता। प्यार की धड़क बेटी ने सुनी थी, प्यार की तड़प बाप छेलेगा। तो बेटी का बाप विलेन होगा। बाप उसे भी मार रहा है। क्या था मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मार। ओके, सो आई मीन एंड पे क्या था? मैंने समझा था विलेन ने पकड़ा वो खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड को। अब ये समझ नहीं आ रहा कि अब ये वाकई में मार रहा है या कोई ड्रीम है, अब ये नहीं पता। नहीं, ड्रीम नहीं है। तो ये बेसिकली इस तरह से कि स्टोरी का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इनको शुरू में दाढ़ी शाड़ी बड़ी हुई दिखाया कि पुलिस से भी नहीं डर रहे। तो जैसे लगा जैसे मैं विलेन बनाया। हाँ, पुलिस की भी मतलब पुलिस के सामने भी बिल्कुल निडर होके बैठे हुए।
और फिर बीच में इनकी लव स्टोरी दिखाई कि पहले बहुत एक डिसेंट से क्लीन शेप्ड और इनको एक तारा से प्यार हो जाता है, फिर इनकी लव स्टोरी शुरू होती है, पर एंड में दिखाते हैं कि जो तारा का बाप है ना वो इनके प्यार में एक तूफान चलाता है, कुछ होगा, विलन होगा। उनके फादर एक डायलॉग भी बोलते हैं ना कि ये विलन मेरा बेटा हीरो था और हीरो रहेगा, क्या हुआ कि अगर उसके वक्त ने उसको बदल दिया। तो ये अब इसमें अंदर ही है कि भाई क्या ऐसी ट्रेजडी होगी कि अहान शेट्टी जो इसमें इशाना का रोल प्ले कर रहे हैं कि वो विलन बन गए और काफ़ी लोगों की धुलाई कर रहे हैं, और समझ यही आया है कि जो हीरोइन के फादर हैं वो उनकी वजह से। और एंड में एक बड़ा शॉकिंग था कि लड़की को गले से पकड़ा हुआ और जब देखने में आया तो वो हीरो नहीं पकड़ा हुआ यार, एंड में यूं उठा के अब वो मुझे शौक में गया अपने हीरोइन को खुद अपने, और इनकी एक आंख भी बंद है और खून में लथपथ है। हाँ तो बेसिकली लव स्टोरी तो है ही है लेकिन विद द ट्विस्ट है। अच्छा थोड़ा सा ना जब ये फिल्म स्टार्ट हुई तो मुझे ना एक फिल्म थी मलंग, उसके जैसी लग रही थी लव स्टोरी सारी ना, मुझे लगा उसमें भी ऐसे, लेकिन थोड़ा सा एंड में चेंज है थोड़ा ये। अच्छा सबसे प्लस पॉइंट भाई अरिजीत सिंह का गाना, और क्या लिरिक्स लग रहे हैं क्या, और थ्रू आउट द ट्रेलर वही ओ हो वही चल रहा है। अच्छा देखें अहान शेट्टी की जहाँ तक बात करूँ तो जब तक फुल फिल्म रिलीज नहीं होती है आपको पता नहीं चलेगा इनकी कैसी एक्टिंग है क्या है, तो ट्रेलर में ठीक ठाक लग रही है और काफ़ी रिजेम्बलेंस है सुनील शेट्टी से, जैसे कि कहा इसने मुतीबा ने कहा, और फर्स्ट टाइम उसकी एक्टिंग भी अच्छी है। हाँ और तारा की एक्टिंग तो हमने देखी हुई है। तो स्टोरी लाइन मतलब कुछ बीच में इन्होंने छोड़ा हमारे लिए एक सस्पेंस के आप जाने के भी क्या ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसी स्टोरीज आपने कभी देखी नहीं कि एक हीरो के साथ कुछ होता है या उसका लड़की का बाप कर देता है और फिर वो हीरो विलन बन जाता है, तो वो फिर ऐसी कोई स्टोरी मतलब यूनिक नहीं है, लेकिन एक डिफरेंट वे में दिखाने की कोशिश की गई है एक मॉडर्न स्टाइल के साथ। इसमें ही डिफरेंट दिखाया कि हीरो खुद ही अपने हाथों से अपने हीरोइन को, हाँ ये थोड़ा मैंने देखा ये ऐसा क्या हुआ। बहरहाल आपके क्या ख्यालात थे इस ट्रेलर को देखते वक्त, क्या आप सोचते हैं ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, कॉमेंट्स में हमें बताइएगा। तो ट्रेलर अच्छा था बट अब मूवी आएगी तभी सब खुलासा होगा कि कितना काम करती है। हाँ 3 दिसंबर को आ रही है। So, कुछ बीच में गानों का भी ग्लिम्प्स दिखाया, आप देखते हैं किससे कौन सा सॉन्ग रिलीज होता है। आई एम रियली हैप्पी फॉर द सॉन्ग अरिजीत सिंह वाला, सो है उस पर भी रिएक्शन देंगे, रिएक्शन अच्छा लगा तो यू नो व्हाट टू डू, उसको लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, हमारे ब्लॉग चैनल को जाकर लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो फॉर लेटेस्ट फोटोज एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम लोग नए नए रिएक्शन लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।